उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं और भूमाफियाओं से जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन जिराफ शुरू किया है। ऑपरेशन जिराफ का मकसद अपराधियों की संपत्ति का पता लगाना और उसे कुर्क करना है। पुलिस आयुक्त ने इस ऑपरेशन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम भी बना दी है। ये टीमें शहर से लेकर गांव तक ये अभियान चलाएंगी। देखते हैं खास रिपोर्ट। यूपी की हवाओं का रुख बदल चुका है। अपराध की नम चादर को छूती हवाएं अब थमने लगी है। अपराध पर कसते शिकंजे से एक नया आसमान दिखने सा लगा है। जहां माफियाओं की हुकूमत नहीं चलती, जहां जिलों में गैंगस्टर का फरमान नहीं जारी होता, जहां अंधेरा होते ही सड़कों पर सन्नाटा नहीं पसरता, इसीलिए लगातार यूपी पुलिस का शिकंजा अपराधियों पर कसता जा रहा है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन जिराफ लॉन्च किया है, यानी कि प्रदेश भर के माफियाओं के अपराध की काली कमाई खंगाली जाएगी। पता लगाया जाएगा कि किस गरीब की जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, किस सरकारी जमीन पर इनका अवैध कब्जा रहा है। वैसे ऑपरेशन जिराफ का पूरा फोकस अतीक अहमद और अशरफ की काली कमाई और अब उनके गुर्गों के बंदरबाट पर फोकस रहेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अभियान पूरे प्रदेश में अपना असर जरूर दिखाएगा। यूपी की बदलती तस्वीर के पीछे योगी सरकार के आने के बाद लगातार अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का असर है। अपराध पर शिकंजा कसने के लिए अब तक कई ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं। ऑपरेशन लंगड़ा अपराध को खत्म करने के लिए चलाया गया एक अभियान। अपराधियों से मुठभेड़ करती है पुलिस। ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों का 30 दिन के अंदर सजा दिलाने का काम किया जाता है। हर दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाती है। ऑपरेशन दृष्टि शहर से लेकर गांव तक मुख्य सड़क और चौराहों से लेकर गलियों तक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। अपराधी का कोई भी मूवमेंट पुलिस ट्रैक कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के तहत भी सभी थानों को ज्वाइन करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऑपरेशन पैंथर माफियाओं के काले कारनामों का खुलासा किया जा रहा है। माफियाओं के अवैध संपत्ति और बेनामी संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 24 से 36 घंटों में लूट, चोरी, रेप, अपहरण, हत्या का खुलासा किया जा रहा है। अपराध पर अंकुश लगाने के मकसद से ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन शुद्धि अराजक तत्वों, जुआ खेलना, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अपराध, अपराधी और उनकी काली कमाई पर पुलिस की नजर पैनी हो चुकी है। अतीक अशरफ से जुड़ी जमीनों पर और उनसे जुड़े बिल्डरों पर भी गाज गिरने जा रही है। लिस्ट तैयार है जिन्होंने माफियाओं की मदद की या उनके साथ व्यापार किया। ऑपरेशन जिराफ के तहत किसी भी समय काली कमाई पर प्रहार शुरू हो सकता है।